और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1912 में आज ही के दिन मशहूर उर्दू लेखक सादत हसन मंटो का जन्म लुधियाना में हुआ था। स्कूल में वो उर्दू विषय में 2 बार फेल हो गए थे और बाद में वो बोलचाल की भाषा में आम आदमी की कहानियां लिखने लगे। अपनी लघु कथाओं के लिए मंटो को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में गिना जाता है। मंटो की पहली कहानी का नाम था तमाशा, जो जलियावाला बाग नरसंहार पर आधारित थी। इसके अलावा बू, ठंडा गोश्त, धुआं और टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो की कुछ खास रचनाएं हैं। मंटो पर पहले हिंदुस्तान में और फिर बंटवारे के बाद पाकिस्तान में कई बार अश्लील साहित्य लिखने के आरोप लगे, लेकिन इन आरोपों के बावजूद कभी उन पर ये दोष साबित नहीं हो पाए। वर्ष 1997 में आज ही के दिन आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को दूसरी बार हराया था। इससे पहले वर्ष 1996 में भी डीप ब्लू ने गैरी कास्परोव को पहले गेम में हराया, जिसके बाद गैरी कास्परोव ने वापसी की और अपनी कुशलता से डीप ब्लू को 4-2 से हरा दिया। इस हार के बाद डीप ब्लू को अपग्रेड किया गया और फिर डीप ब्लू ने वर्ष 1997 में गैरी कास्परोव को हराया। डीप ब्लू कंप्यूटर की खासियत ये थी कि वो 1 सेकेंड में शतरंज की 20 करोड़ चालों का आकलन कर सकता था, और गणना करने की इसी क्षमता से डीप ब्लू ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। वर्ष 1927 में आज ही के दिन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस की स्थापना अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई थी। ये एकेडमी हर वर्ष एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स का आयोजन करती है, जहां सिनेमा की दुनिया में महत्वपूर्ण काम और योगदान के लिए दुनिया भर के कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। ऑस्कर्स के लिए 24 अलग अलग श्रेणियों में विजेताओं को चुना जाता है। एकेडमी अवार्ड्स को आज भी फिल्मों की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। और वर्ष 1998 में आज ही के दिन भारत ने पोखरण में 2रा परमाणु परीक्षण किया था। ये परमाणु परीक्षण हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। और औपचारिक तौर पर इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।